Yes, I'm your Nandini ma'am. Today I'm going to start up with arithmetic progression, right? This is a very interesting topic of class 10 and a very new topic. Aur ye jo topic hai, iski khas baat kya hai ki, first of all, it's very fascinating, very new concept. Humne aisa kuch bhi nahi pehle kiya. But yes, we know about the patterns. Patterns hum chote hote se apne aptitude, apne PSA ke subjects mein karte aa rahe hain. So it is related to that. How you have to solve those patterns. So now just get, we'll have a, some small introduction about arithmetic progressions. In short, it is known as AP, right? Hum isko AP ke naam se jante hain. AP is your arithmetic progression. Ab, what is arithmetic progression? Ye kya hai beta? It is a sequence of numbers, jisme do successive numbers ke beech ka jo difference hai, wo hamesha constant rehta hai. Matlab, if a series is like this, ek number jo hai, main usse A maan leti hun, then another is A2, A3, A4 and continuous. तो इसमें क्या होता है कोई भी successive member, successive मतलब एक के बाद एक, मतलब अगर मैं third और fourth ले रही हूँ तो A4 minus A3 ये जो भी difference आएगा वो हमेशा constant रहता है. आप किसी भी successive terms को minus करोगे आपको ये जो difference मिलेगा ना ये same मिलेगा. And this is the backbone of an AP. आपका एपी का पूरा जो एपी है वो सिर्फ इस चीज पे बेस है कि आपके दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आता है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल ओवर द एपी. उस पूरे सीक्वेंस में वो डिफरेंस जो है वो सेम रहता है. ओके, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम एपी के बारे में डिस्कस करते हैं, वो पॉइंट्स आपने अपने जहन में बिठा लेने हैं. सबसे पहली चीज, ये जो डिफरेंस हमने बोला इसका वी हैव गिवन दिस अ नेम व्हिच इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, आप किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स को जब माइनस करते हो ना आपको हमेशा एक ही डिफरेंस मिलता है, हमेशा एक ही आंसर मिलेगा और उसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. आपने देखा होगा मैंने भी यहाँ पे स्मॉल डी लिखा है, ठीक है. तो स्मॉल डी से आपने उस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करना है. अब इसमें जो भी नंबर्स आ रहे उन्हें हमने बोलना है टर्म्स. सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो भी नंबर, जैसा भी नंबर है, पॉइंट्स में है, फ्रैक्शन में है, रूट में है, जैसे मर्जी हो, दीज आर ऑल सीक्वेंस ऑफ टर्म्स, राइट. हर मेंबर को हमने क्या बोलना है बेटा, टर्म. ओके, जो भी इसका फर्स्ट मेंबर होता है हम उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म और यूजुअली हम उसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. इज दैट क्लियर? फर्स्ट मेंबर को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म. और कॉमन डिफरेंस डी हो गया, राइट. अब अगर A1, A2, A3, A4 ये सब जो हैं अगर AP में हैं तो इसका क्या मतलब है, जो भी सक्सेसिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम रहता है. दिस इज व्हाट दे हैव शोन. A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2 विल बी इक्वल टू A4 माइनस A3 विल बी इक्वल टू A5 माइनस A4. तो मतलब किन्हीं भी टर्म्स को आप माइनस करो आगे से पीछे वाली टर्म को, राइट. जैसे A4 माइनस A3 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A2 माइनस A1, तो सबका डिफरेंस जो है वो सेम आएगा. यही एक कंडीशन आपने दिमाग में रखनी है कि अगर कोई भी सीक्वेंस जो है वो एपी है, इसका मतलब दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि इनका जो डिफरेंस आएगा ना वो सेम आएगा. ओके, तो एक जर्नल टर्म, अगर मुझे एक जर्नल रिप्रेजेंट करना है, ये फर्स्ट टर्म है. देखो अब एक छोटी सी बात को समझना. सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर ले रही हूँ, आई एम राइटिंग दिस थिंग. सबसे पहले दीपांशु आप मुझे बताना, जो मैं लिख रही हूँ क्या ये एपी है? यस बेटा, ये मैंने एक सीक्वेंस लिया नंबर्स का, तो क्या आपको लगता है कि ये एपी लिखा है मैम ने? नो मैम. गिव मी द रीजन. क्योंकि मैम बीच में 5 नहीं है. 5 नहीं है, ओके. तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है, हमें ये जज करना है. मैम आपने बोला कि यार सीक्वेंस में चलना चाहिए. हाँ, मैंने आपको बोला सीक्वेंस में चलना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एपी के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बताई है. एपी के लिए इट इज ओनली सिंगल कंडीशन. दीपांशु क्या है वो कंडीशन बता सकते हो बेटा? यस मैं एक बार दोबारा बता दूं. बिल्कुल, अब बताना ही है, आप कोई बता ही नहीं रहा मुझे, राइट. देखो मैंने आपको कहा था जो भी सक्सेसिव नंबर्स होंगे जब आप उनका डिफरेंस निकालते हो, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, तो वो सेम आता है. जैसे कि अब ये फर्स्ट मेंबर है, दैट मींस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. तो मैंने क्या किया, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस कर दिया. सिमिलरली फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दिया.
सिमिलरली थर्ड टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस कर दिया एंड सिमिलरली ऑन द सिमिलर लाइंस सेकेंड टर्म को द फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस कर दिया. यस दीपांशु 10 माइनस 8 2 8 माइनस 6 2 6 माइनस 4 अगेन 2 4 माइनस 2 अगेन 2. क्या ये सारी चीज सेम नहीं आ रही? That means yes, our D is same. That means this is an AB. Clear हुआ? Yes. Yes ma'am. Okay. अब ये आपने बात भूलनी नहीं है बिल्कुल भी. AP का मतलब है आपका D same होना चाहिए. अगर D same नहीं है वो AP हो ही नहीं सकता. Okay? बस एक ही condition मैंने आपको बता रही हूँ और एक ही condition को दिमाग में रखना है आपने. अब अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा. First term में ये है आपकी first term. अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? सेकेंड टर्म. यस राइट. यस मैम. है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये आपकी है फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म. ठीक बेटा. तो मैंने फर्स्ट टर्म में जब डिफरेंस ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया? ए टू मिल गया. ठीक. अब ए थ्री को आप ध्यान से देखो. अगर मुझे ए थ्री चाहिए तो मैंने ए टू में राइट है ना, अगर मैं फुल करूंगी तो यस. अब A2 क्या था? A2 was, तो यहाँ पे हम 2 plus D लिखते हैं, 2 plus यानी A, हमारा फर्स्ट टर्म A, ये आपकी थर्ड टर्म. इसका मतलब अगर आपको कोई से भी टर्म निकालनी है, मतलब टर्म बतानी है क्या होगी, कौन सी टर्म बतानी है? What is A? I have written over here. What is A? A is 2, right? N kya hai? 14 minus 1? 13. So, okay, D ka answer, A ka ban gaya 26. A ka answer aa gaya D. A ka answer aa gaya 28. 28. कहा कि n जो है, n क्या हुआ हमें नहीं पता, क्या नंबर आपसे पूछेंगे. n होता है नंबर ऑफ टर्म, किस नंबर पे कौन से टर्म है. जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, इसी तरह कोई 14th टर्म भी होगी इसमें, राइट. 14th टर्म ए आपको मैंने बताया फॉर्मूला होता है हमारा n माइनस 1 डी. n में से जितना भी n पूछा, जोन से नंबर की आपसे टर्म पूछी है ना, उसमें से आपने 1 माइनस करके उसको डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना. आप यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको डिराइव करके बताया ये फॉर्मूला कैसे आया. ये देखो, थर्ड टर्म के लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट टर्म में ट्वाइस डिफरेंस ऐड कर दिया, मींस n माइनस 1, राइट. तो यहाँ पे भी हमने n माइनस 1 किया, तो n माइनस 1 करके 14 में से जब आप 1 माइनस कर रहे हो, यू आर गेटिंग 13. 13 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा d क्या है, इट इज 2. सो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो 26, और उसमें आपको a ऐड करना है, सो आंसर कम्स आउट टू बी 28. तो मतलब 14th टर्म जो है दैट विल बी 28. आप इसमें कैलकुलेट कर लो, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करते जाओ एंड यू विल बी एबल टू गेट दैट, राइट. अभी क्वेश्चंस करोगे ना समझ में आ जाएगी. तो ये जर्नल फॉर्म है, जर्नल फॉर्म का ठीक है. अगर सपोज करो एक एपी में आपको उन्होंने मेंशन कर दिया, सपोज एक एपी दिया आपको 2, 8, 14, यहाँ पे 100, ओके, सो इट्स कॉल्ड एज फिनाइट एपी. अगर मैं इसके आगे उसका कोई एंड नहीं होता, जितनी मर्जी आप टर्म्स निकालते रहो उसमें. सो जर्नल फॉर्मूला जो बनता है आपका एपी में वो है ए ए प्लस टू थ्री. यस क्लियर. आपकी होती है जर्नल फॉर्म, जब भी आपने कोई भी nth नंबर ऑफ टर्म डालना है. ये है आपका ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर, क्योंकि हमारा डी जो है इसका मतलब क्या बना, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए. जैसे हम क्या कर रहे थे डिफरेंस निकालने के लिए, वी वर डूइंग ए थ्री ए टू, हमने ऐसे ही किया था ना. अगर हम n ले रहे हैं होगा n जर्नल फॉर्मूला, अगर हम तो an minus a minus 1 ये बोले हैं. अब आपको समझ में आ गया कि कंसेक्यूटिव का क्या मतलब, और डिफरेंस आप हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे. और डिफरेंस आपका जीरो भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, पॉइंट भी आ सकता है. सो उसके लिए वरी मत करना कि ओहो ये क्या हो गया, ये तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई. नो, डिफरेंस कैन बी एनीथिंग. इज दैट क्लियर. तो ए एन माइनस ए एन माइनस वन इज इक्वल टू डी. बात बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ हम उसको फॉर्मूला की शेप में लेके आ रहे हैं, सो दैट आपके लिए वो इजी हो जाए रिकॉल करना. ठीक है, वैसे आपको बात समझ में आ गई कि हमने क्या करना है. सपोज आपके पास फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ में से आप फोर्थ टर्म को माइनस कर दोगे, फिफ्थ में से थर्ड नहीं माइनस करोगे, उसके बिल्कुल पीछे वाली टर्म माइनस करनी है.
इज दैट क्लियर? पहला फॉर्मूला समझ में आ गया, ये जर्नल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जर्नल टर्म। और हमारा काम जो है वो हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, S3 is equal to, जो आपसे जो टर्म्स का सम पूछा है, हम सबसे पहले वो लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है, n by 2 कर लिया हमने। अब हम लगा देंगे हमारी एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब 2a मतलब जो फर्स्ट टर्म थी उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 2 प्लस माइनस b, n क्या है हमारा 50, 50 माइनस 1 फिर उसको एड करेंगे, उससे बेटर हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर? ओके, आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू नाउ, राइट? सो ये आपने जनरल फॉर्मूलाज हैं, इसको याद करने। आप इनके बीच में जो ट्विस्ट आएंगे वो हम विद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, दैट इज आवर टॉप सीक्रेट। और वो जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा हम तब करेंगे, राइट? सो नाउ आई विल स्विच ऑन टू द एक्सरसाइज। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ओके?